हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ए आर। दोस्तों भाई, द्वारिका से मेरे पे गाड़ी आई है, प्लेटिना गाड़ी। इसकी स्टार्ट करके साउंड सुनाता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। आगे देखो, चाबी ऑन करी मैंने, इसमें लाइटें लगी हैं, बड़ी मस्त लग रही है मेरे को, रात में रोशनी देंगी बढ़िया। सबसे पहले इसको स्टार्ट करके मैं इसका साउंड सुनाता हूँ आपको। ये हो गई स्टार्ट, देखो माइक निकालता हूँ अपना और इसका साउंड सुनाओ आप। आवाज़ सुन ली इसकी। इस गाड़ी के इंजन की हालत बहुत ख़राब है, तो अभी सबसे पहले इसको इंजन खोलेंगे। उससे पहले मैं छोटी सी ट्रायल लेता हूँ, उसके बाद आपसे आगे बात करता हूँ। तो भाई गाड़ी की ट्रायल लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। ओह क्या बात है, गाड़ी का हैंडल हल्का सा टेढ़ा है, शीशा है नहीं गाड़ी का। और उसके अलावा इंजन की बहुत बुरी तरह बैंड बजे पड़े, गियर हार्ड डल रहे हैं इसके, गियर भी हार्ड डल रहे हैं इसके भाई। और आगे की ब्रेक भी काम नहीं कर रही है, अभी भी आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही है कि मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। ये देखो आवाज़ सुनो कैसी आवाज़ आ रही है इसके अंदर भाई। देखो ये भाई हमारे पास आए गाड़ी लेने के लिए, डिलीवरी करने के लिए। इनसे पूछता हूँ इसके अंदर कैसी आवाज़ आ रही है। मोटर चल रहा है इसमें ऐसा लग रहा है, वो जो पानी उठाने वाला मोटर नहीं होता वैसा मोटर चल रहा है। पानी उठाने वाला मोटर, टुक 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 टुक, वही वाला मोटर चल रहा है। तो अभी इस गाड़ी की इंजन की बहुत बुरी हालत हो रखी है। अब इस गाड़ी की आप कंडीशन देख के बता रहे हो, अगर मैं इसको धुल दूंगा ना तो आपको ऐसा लगेगा ये नई गाड़ी है, क्योंकि गाड़ी चली नहीं है ज़्यादा। अरे ज़्यादा चली है यार, 47,000 किलोमीटर चली है, पर एक दाद देनी पड़ी है भाई। बॉडी की कंडीशन बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो देखते हैं इसको अंदर लगा के। सबसे पहले इसकी गाड़ी की वॉशिंग कराते हैं मैं, और वॉशिंग कराने के बाद इस गाड़ी का इंजन खोलते हैं। और इंजन खोल के आपको सबसे पहले बताऊंगा मैं इस गाड़ी के अंदर जो ये टक 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 आवाज़ आ रही है वाली, ये आवाज़ आखिर किस चीज़ की आ रही है, आखिर है कौन सी चीज़ जो आवाज़ कर रही है बहुत ज़्यादा। तो फटाफट से निकलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। दोस्तों मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी, वो ये है, काफ़ी सारे मैकेनिक हैं जो अपने मन में ये बात लेके बैठे हुए हैं, और काफ़ी सारे ऐसे ग्राहक हैं जो अपने मन में ये बात लेके बैठे हुए हैं कि जब गाड़ी शोरूम से ख़रीदते हैं नई गाड़ी, तो उस वक्त उसकी जो आवाज़ होती है इंजन की, वैसी आवाज़ इंजन खुलने के बाद नहीं हो पाती है किसी भी गाड़ी की। वो मैकेनिक कस्टमरों को बताते हैं, गुमराह करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये बात कि ऐसी कोई मशीन नहीं है इस पूरी दुनिया के अंदर कि वो जब आपने नई खरीदी है वैसी कंडीशन आपकी गाड़ी की, वो मशीन ख़राब होने के बाद दोबारा रिपेयर करने पे वो कंडीशन वापस ना आए, ऐसी कोई मशीन है ही नहीं। वापस वही कंडीशन हो जाती है, जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पर जिस दिन आपने गाड़ी शोरूम से ख़रीदी और वैसी आवाज़, वैसा पिकअप, वैसा मज़ा जो आवाज़ का होना चाहिए, अगर वैसा दोबारा इंजन मारने के बाद नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे दो चीज़ों की कमी हो सकती है, या तो गाड़ी में लागत कम लगी है, या फिर एक मैकेनिक जो होता है वो मूर्ख है और उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्किल्स या इतनी ज़्यादा समझ नहीं है कि हाँ वो इंजन को फिट करना सीख पाए। उसने अपनी ज़िंदगी में टाइम पास ही किया होगा, इसके अलावा कुछ नहीं किया होगा जो ऐसी बातें करता है। मैं आपको यही सलाह दूंगा, जब भी इंजन खुलवाओ तो ये पूछ लो पहले, ये पहले ही क्लियर कर लो कि भाई जैसी आवाज़ होती है वैसी ही आवाज़ चाहिए वापस, अदरवाइज़ इंजन मत खोलना, मत करना, नहीं तो आपका टाइम और आपका जो पैसा है वो कीमती पैसा वो बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इस बात करते हैं इस बाइक की, जो आवाज़ आ रही थी इसकी पिस्टन सीज मार गया था, जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हो ये बहुत बुरी तरह सीज हो रखा है। अब ये पिस्टन जो सीज हुआ ये होता है भगाने से, अगर गाड़ी में लोड डाला जाए या गाड़ी भगाई जाए तो गाड़ी का पिस्टन सीज हो जाता है। प्लेटिना गाड़ी का पिस्टन बहुत छोटा होता है, अगर इस वाले मॉडल की बात की जाए तो इस वाले मॉडल में पिस्टन बहुत छोटा है, और अगर पहले वाले मॉडल की बात की जाए तो उस वाले पिस्टन का बहुत काफ़ी ज़्यादा हैवी था, बट वो मॉडल बंद कर दिया गया जैसा कि आप जानते हो। उसके अलावा इसकी क्रैंक, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हाफ इंजन का काम करवाते हैं, बोलते हैं ये तो एक, मतलब ये मान लो ये तो एक रीत चल गई है कि हाफ इंजन होगा या फुल इंजन होगा। देखो भाई, जब भी आपकी गाड़ी का पिस्टन का काम होता है तो आप अपनी गाड़ी का फुल इंजन ही करवाएं, हाफ इंजन ना करवाएं, आपकी सलाह के लिए बोल रहा हूं। अगर आपको गाड़ी पहले, आप गाड़ी लेने से पहले, मतलब गाड़ी का काम कराने से पहले डिसाइड करो कि गाड़ी आपको रखनी कब तक है। अगर आपको लगता है आपको लंबे समय तक रखनी है गाड़ी, तो उसका फुल इंजन का काम कराओ, हाफ इंजन का काम करा के अपने आप को झूठा दिलासा मत दो, क्योंकि हाफ इंजन फुल इंजन कुछ नहीं होता। गाड़ी की क्रैंक, अगर आपकी गाड़ी का इंजन खुल रहा है तो क्रैंक का काम करना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक हो जाता है। अगर पिस्टन आप डलवा रहे हो अपनी गाड़ी में और क्रैंक का काम नहीं करवा रहे हो तो आप अधूरा काम करवाते हो।
आपके मन को झूठी तसल्ली मिल जाती है कि हाँ मेरी गाड़ी का हाफ इंजन हो रहा है या फुल इंजन हो रहा है। पैसे वाली बात बताऊं तो आप कौन सा बार बार इंजन खुलवाने बैठ रहे हो? अगर एक ढंग के मैकेनिक पे इंजन काम करवा रहे हो तो पूरा तरीके से ओके कराओ और उसे एक बात बोलो कि भाई इस इंजन को ओके कर दे, तो जो भी लगता है वो ओके कर दे, बस तू इसको जायज खर्चा और काम तरीके से कर दियो, ठीक है। कोई भी मैकेनिक आपको कंपनी से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता आपसे, जो कंपनी पैसा लेती है उससे कम ही पैसा लेता है ना, क्योंकि कंपनी में आपके बहुत सारे ऐसे इधर उधर के खर्चे हो जाते हैं जो कंपनी के बाहर मैकेनिक जो होते हैं वहाँ पे नहीं होते हैं। बट अगर बाहर भी आप जो मतलब जेन्युइन पार्ट डलवाने की गारंटी दे रहे हो और ये भी बोल रहे हो कि भाई पैसे कम कर पैसे कम कर, तो आपकी गलतफहमी होगी बहुत बड़ी। ऐसा ना करें, कंपनी से कंपेयर करें, कंपनी में अपने आप को देखें कि हाँ मैं कंपनी में इतना काम करा रहा था इतने का हो रहा था, यहाँ पर मेरा कम हो रहा है और ओरिजिनल भी हो रहा है। अब देखो इस गाड़ी के अंदर हेड के वाल्व डल रहे हैं, वाल गाइड डल रहे हैं, टाइमिंग चेन डल रही है, टाइमिंग चेन का टेसनर है, उसके अलावा इसकी हेड की कंडीशन देखो कितनी बुरी हो रखी है। जब भी आप हेड का काम करवा रहे हो, वाल का काम करवा रहे हो, तो हमेशा याद रखना गाइड को जरूर चेक करवाना। गाइड जो होते हैं हेड के वाल गाइड, वो आपकी गाड़ी के गर्म होने पर जब आवाज़ करती है तो वो आवाज़ वापस ठंडी होने पर बंद हो जाती है, तो गाइड यही काम करते हैं। गाइड जो है वो गर्म होने पर जो आवाज़ आती है वो आवाज़ ठंडी होने पर आवाज़ बंद नहीं होगी अगर आपके गाइड ख़राब होंगे तो, ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना। उसके अलावा सिलेंडर की बात की जाए तो मैं अपने तरीके से काम करता हूँ, मैं पिस्टन बोर कराता हूँ 25 या 50, मैक्सिमम 50 नंबर का बोर कराता हूँ। अगर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं 75 का भी बोर करा देता हूँ, बट बहुत ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि मैं 25 या 50 का बोर कराऊँ। मैं बोर जो कराता हूँ वो हमेशा क्रॉस बोरिंग कराता हूँ, क्योंकि क्रॉस बोरिंग जो है हम जब सिलेंडर खरीदते हैं गाड़ी का ना या ब्लॉक किट, तो उसमें क्रॉस बोरिंग ही होके आती है। बस फर्क इतना है कि पूरा ब्लॉक नया होता है, मैं इसके अंदर सिर्फ स्लिप के अंदर एक बोर करा के प्रॉपर तरीके से क्रॉस बोरिंग करा के गाड़ी को फिट करता हूँ। अब ये गाड़ी है, इसकी जिम्मेदारी ली है, इसकी गारंटी भी ली है। गारंटी किस चीज़ की है भाई? सर्विस अगर टाइम पे होगी गाड़ी की तो काम को बढ़िया करेंगे, और अगर खर्चे की बात की जाए तो इसमें मुश्किल से मुश्किल इंजन में बता रहा हूँ, इंजन में 8-9 हज़ार रुपये खर्चा बैठ रहा है, बाकी मेरी लेबर है। उसके अलावा गाड़ी की सर्विस वर्विस इंजन और इंजन का तारा सारा तामझाम कर रहे हैं, और भी बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कर रहे हैं, तो अभी तो ओके करते हैं इस गाड़ी को और उसके बाद आपसे सीधे कस्टमर के साथ मिलते हैं। कस्टमर की एक छोटी सी फीडबैक लेते हैं, देखते हैं क्या फीडबैक देते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। Few moments later. जो गाड़ी है ये भैया की प्लेटिन हो चुकी है, काफी दूर से भैया आए थे। भैया कहाँ से आए थे आप? मैं आया हूँ गोलेडेरी से, द्वारका सेक्टर 19 से भी और आगे थोड़ा सा। सेक्टर मतलब यहाँ से करीबन 2 घंटे का रास्ता तो होगा बाइक से, एक घंटे का 35 किलोमीटर दूर है। 35 किलोमीटर दूर है। तो भैया की गाड़ी थी प्लेटिना, जैसे कि आपने देखा इंजन खुला था इसका, इंजन का काम कर दिया है तरीके से। फर्स्ट सर्विस की जो वीडियो होगी वो आएगी इसकी, अगर आई मतलब आएगी, कहने मतलब ये कि आप मुझे बताना कमेंट करके आओ डालू या नहीं डालू। अभी भैया ले जा रहे हैं गाड़ी को, अभी आपने चला के देखी गाड़ी कैसे चल रही है? हाँ जी, बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत प्रॉब्लम थी, इंजन ही पूरा खराब हो गया था, तो राजीव जी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। थैंक यू भैया, बाकी भैया सर्विस टाइम से कराना, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। डेफिनेटली पता क्या होता है, गाड़ी ठीक करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, गाड़ी ठीक हो जाती है। साउंड अच्छा ही बताओ, साउंड जो है गाड़ी का, जैसे नई गाड़ी आती वैसा साउंड आ रहा है ना? साउंड तो है ही नहीं, सुनाई नहीं दे रही, तो साइलेंट हो गई है, मस्त हो गई। और जब गाड़ी आई थी ट्रैक्टर, अच्छा एक बात, गाड़ी आई थी ट्रैक्टर जैसे, मैं तो देख के हैरान हूँ, पर गाड़ी बहुत अच्छी कर दी है। तो भैया आपसे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और बताता हूँ भाई, गाड़ी ठीक करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा ईजी होता है, पर गाड़ी को मेंटेन करना वो कस्टमर के हाथ में होता है। जैसे कि भैया को मैंने बताया सर्विस टाइम से कराना, अगर सर्विस में दिक्कत होगी तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों भैया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा देरी ना भैया, लेट हो रहे हैं भैया, ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, ओके थैंक यू, ओके मिलते हैं भैया नेक्स्ट सर्विस में, ठीक है, थैंक यू।